हाजिर आप देख रहे हैं जहां पर मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर कबल आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी ऐवान ए सदर पहुंचे थे। आपको बता रहे हैं कि ऐवान ए सदर में सऊदी वलीअहद के एजाज में जोहराना दिया जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान का आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान भी तफवीज किया जाएगा। आपको इस वक्त के मनाजिर दिखा रहे हैं, ऐवान ए सदर के ये मनाजिर हैं। अब से कुछ देर पहले आपको बताएं कि सऊदी वलीअहद की वजीर आजम हाउस से ऐवान ए सदर रवानगी के मनाजिर आपको इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। सऊदी वलीअहद की वजीर आजम हाउस से ऐवान ए सदर रवानगी के ये मनाजिर आप देख रहे हैं। काफिला इस वक्त रवा दवा है। ऐवान ए सदर ये काफिला पहुंचेगा जहां पर सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में जोहराना दिया जाएगा। सुबह से मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी था। कुछ देर पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी ऐवान ए सदर पहुंचे। गुज़श्ता रोज सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान दो रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे। वजीर आजम इमरान खान, विफाकी काबीना के अराकीन और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नूर खान एयरबेस पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया था और अब ऐवान ए सदर में सऊदी वलीअहद के एजाज में जोहराना दिया जाएगा। शहरयार खान हमारे साथ मौजूद है। शहरयार आगाह कीजिएगा, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी ऐवान ए सदर कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, ये रवाना हुए हैं और यहाँ से ये शाही बग्घी में जो है बैठे हैं वजीर आजम और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस वक्त जो आ रहे हैं और बग्घी में और साथ उनके जो है गार्ड का दस्ता है जो उनको लेकर आ रहा है ऐवान ए सदर की जानेब। और ऐवान ए सदर में अब तक तमाम जो मौजूद मेहमान हैं वो आ चुके हैं और अभी जो है बस कुछ ही देर के बाद ये वजीर आजम और सऊदी वली अहद जो है वो पहुंचेंगे ऐवान ए सदर और जहां इस पुरवकार तकरीब का आगाज होगा और इस तकरीब में सऊदी वली अहद को निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा और यहां से फिर उसके बाद जो है अपने दौरे के अख्तिताम पर सऊदी वली अहद जो है वो वापस रवाना होंगे नूर खान एयरबेस के लिए और वहां जो है तमाम जो है। शहरयार हमारे साथ ही रहिएगा, ये मनाजिर भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त शाही बग्घी में मौजूद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके साथ वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी मौजूद हैं। शाही अंदाज में शाही बग्घी में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त ऐवान ए सदर लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि इस्तकबाल भरपूर किया गया था शाही मेहमान का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का और इस वक्त वजीर आजम हाउस से ऐवान ए सदर रवानगी के ये मनाजिर आप देख सकते हैं। जी शहरयार खान। जी बिल्कुल, ये इस वक्त जो है दमा दमा है ये काफिला और ये बग्घी के अंदर सवार है इस वक्त वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उनके साथ साथ जो गार्ड हैं वो उनके चल रहे हैं और एक बड़ा प्यारा मंजर है और ये इस वक्त जो है ऐवान ए सदर की जानिब जा रहे हैं। ये दोनों साथ साथ हैं गो के इमारतें ऐवान ए सदर और वजीर आजम हाउस और वहाँ से ये काफिला जो है अब ऐवान ए सदर कुछ देर में पहुँचेगा और वहाँ पर ये तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आजम और मोहम्मद बिन सलमान का देखा जा सकता है बड़े खुशगवार अंदाज में ये काफिला जो है वो ऐवान ए सदर की जानिब रवा दवा है और कुछ ही देर में ये वहाँ पहुँचेंगे और जो है ये तकरीब होगी और ये इख्तितामी तकरीब कहलाएगी क्योंकि इसके बाद यहाँ से सऊदी वली अहद जो है वो नूर खान एयरबेस जाएंगे जहाँ अपने दौरे के अख्तितम पर यहाँ से रवाना होंगे। इस वक्त ये रिवायती बग्घी में सवार होकर जो है वजी अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान जो है वो ऐवान ए सदर की जानिब रवाना दवा है। जी काफिला इस वक्त ऐवान ए सदर की जानिब रवा है। शाही बग्घी में सवार हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान भी शाही बग्घी में सवार हैं। आपको बताएं कि ऐवान ए सदर में सऊदी वली अहद के एजाज में जोहराना दिया जाएगा और इस वक्त शाही बग्घी में सवार हैं सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके हमरा मौजूद हैं वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और आप ये देख सकते हैं खुशगवार मूड में आपस में गुफ्तगू भी की जा रही है, गुफ्तगुशनीद की जा रही है और ऐवान ए सदर में सऊदी वली अहद के एजाज में जोहराना दिया जाएगा जिसके लिए इस वक्त सऊदी वली अहद को शाही बग्घी में
ایوان صدر لایا جا رہا ہے۔ یہ سات سات عمارتیں ہیں وزیر اعظم ہاؤس کی اور ایوان صدر کی، اور ایوان صدر اس وقت شاہی بگی میں سوار ہیں۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، عمران خان وزیر اعظم پاکستان ان کے ہمراہ موجود ہیں۔ شہزادہ محمد بن سلمان کو ایوان صدر میں پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے بھی نوازا جائے گا۔ آپ اس وقت یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان شاہی بگی میں موجود ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے ساتھ، اور اس وقت ایوان صدر کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے۔ یہ قافلہ کچھ دیر میں ایوان صدر پہنچے گا۔ آپ کو اس وقت ہم یہ مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ شاہی بگی کے مناظر ہیں کہ جس کے اندر، اور یہ دوسری جانب کچھ دیر قبل کے مناظر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہم ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ولی عہد سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ یہ مناظر ہیں جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی ہے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے، کچھ دیر پہلے کے مناظر ہیں۔ دوسری جانب مناظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوان صدر روانگی کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ فیصل رضا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس اہم ملاقات کے حوالے سے، ان سے جانیں گے۔ فیصل آگاہ کیجیے گا، اہم ملاقات ہوئی اب سے کچھ دیر پہلے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، آپ نے ذکر بھی کیا کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان جن کا دورے کا آج دوسرا اور اہم دن ہے اور آخری روز ہے، آج جو ہے وہ ایوان صدر میں ایک اہم تقریب ہے جس میں شہزادہ محمد بن سلمان کو نشان پاکستان سے جو ہے وہ نوازا جائے گا، اور اس موقع پر تینوں سروسز چیف جو ہیں وہ اس تقریب میں موجود ہوں گے۔ اب سے کچھ دیر قبل آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایوان صدر پہنچے، اور ایوان صدر پہنچنے پر انہوں نے جو ہے وہ ننھے معصوم بچوں کو جو ہے وہ شفقت سے پیار بھی کیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایوان صدر میں داخل ہوئے۔ وہاں پر جو ہے وہ شہزادہ محمد بن سلمان سے ان کی مختصر لیکن بڑی اہم ملاقات ہوئی ہے، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اس موقع پر جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کپور جو ہیں وہ بھی موجود تھے۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ دونوں ممالک کے مابین جو تعلقات ہیں ان پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی ہے، خاص طور پہ دونوں ممالک کے مابین جو دفاعی اور اسٹریٹجک تعاون کے حوالے سے جو اہم ترین جو ہے وہ تعلقات ہیں اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ جو ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے یہ ملاقات جو ہے وہ کی ہے، اور شہزادہ محمد بن سلمان جو اس وقت ایوان صدر میں جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے وہ بہت عام جو گفتگو ہوئی ہے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور سعودی ولی عہد کے مابین، یہ انتہائی اہم ملاقات ہے جس میں دونوں ممالک کے مابین جو ہے وہ دفاعی تعلقات، دفاعی اسٹریٹجک امور جو ہیں ان پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اس ملاقات میں جو ہے وہ دونوں ممالک کے مابین خاص طور پہ جو ہے انفرادی دہشت گردی، علاقائی امن و استحکام کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف کپور اس ملاقات میں موجود تھے، جس کے بعد جو ہے اب ایوان صدر میں جو ہے یہ اہم تقریب ہونے جا رہی ہے جس میں آرمی چیف جو ہے تقریب میں شرکت کے لیے پہنچے ہیں۔ یہ ملاقات جو ہے وہ آج اہم ملاقات تھی جس میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے مابین۔ جی ٹھیک ہے، اہم ملاقات کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے فیصل، بہت شکریہ آپ کا۔ اس وقت یہ قافلہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایوان صدر کی جانب رواں دواں ہے۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، شاہی بگی میں سوار ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، وزیر اعظم پاکستان عمران خان بھی ان کے ہمراہ موجود ہے۔ ایوان صدر میں سعودی ولی عہد کے اعزاز میں زہرانہ دیا جائے گا، جبکہ شہزادہ محمد بن سلمان کو پاکستان کا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ بھی دیا جائے گا۔ اس وقت بگی میں سوار ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور ان کے ہمراہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بھی موجود ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس وقت ایوان صدر کی جانب یہ قافلہ رواں دواں ہے، جہاں پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اعزاز میں زہرانہ دیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان دو روزہ دورے پر گزشتہ روز پاکستان پہنچے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان، وفاقی کابینہ کے اراکین اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے نور خان ایئر بیس پر ان کا پرتپاک استقبال کیا تھا۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، ایوان صدر میں اس وقت قافلہ داخل ہو رہا ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا قافلہ اس وقت ایوان صدر میں، ایوان صدر کی حدود میں داخل ہو چکا ہے۔ یہاں پر ان کے اعزاز میں زہرانہ دیا جائے گا۔ شاہی بگی میں سوار شاہی مہمان شہزادہ محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان اس وقت ایوان صدر میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں پر ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے اعزاز میں زہرانہ دیا جائے گا، اور پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ نشان پاکستان سے بھی
नवाजा जाएगा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम हैं, वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी हमरा मौजूद हैं और शाही बग्गी में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को इस वक्त ऐवान सदर पहुंच चुकी है ये शाही बग्गी। इमरान खान भी उनके हमरा मौजूद हैं और इमरान खान ने छतरी भी हटवा ली है ऊपर से, मौसम अच्छा है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने छतरी भी हटवाई है और इस वक्त ये काफिला ऐवान सदर में दाखिल हो चुका है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पहले ही ऐवान सदर पहुंच चुके, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी भी ऐवान सदर में मौजूद हैं, स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर भी और दीगर मेहमान भी इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं। वफाकी वजरा की आमद का सिलसिला बहुत पहले शुरू हुआ था और इस वक्त शाही मेहमान वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ऐवान सदर पहुंच चुके हैं। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त ऐवान सदर पहुंच चुके हैं, बग्गी से नीचे उतर रहे हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उनका इस्तकबाल किया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान उनके हमरा थे, सदर मुमलिकत की जानिब से इस्तकबाल किया गया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी उनके हमरा मौजूद थे। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने भी इस्तकबाल किया है। आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त मुसल्ला अफवाज के सरबराहान भी वहां पर मौजूद हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तकबाल किया गया है सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का। ऐवान सदर में सऊदी वलीअहद के एजाज में जोहराना दिया गया है। तकरीब में शिरकत के लिए इस वक्त शाही मेहमान सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहुंच चुके हैं। वजीर आजम इमरान खान भी उनके हमरा है। सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तकबाल किया गया ऐवान सदर आमद पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का। इस वक्त आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि ऐवान सदर में अंदर दाखिल होते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद हैं और फूलों का गुलदस्ता बच्चों की जानिब से पेश किया गया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को आमद पर। और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने वो तोहफा कबूल करते हुए बच्चों के सर पर प्यार भी किया है। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं कि दीगर मेहमान भी वहां पर मौजूद हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तकबाल किया है, सदर ममलिकत ने इस्तकबाल किया है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का, फूलों का गुलदस्ता आमद पर पेश किया गया बच्चों की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को, जिसको उन्होंने कबूल किया। कबूल करने के बाद बच्चों के सर पर प्यार भी किया। ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ऐवान सदर पहुंचे और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। ये अंदर दाखिल होते हुए लॉबी में दाखिल होने के मनाजिर आप इस वक्त देख सकते हैं कि जिस वक्त लॉबी में दाखिल हुए और फूलों का गुलदस्ता बच्चे की जानिब से पेश किया गया, ये वो मनाजिर आप देख रहे हैं। तो नाजरीन इस वक्त ऐवान सदर में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहुंच चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान उनके हमरा थे। शाही बग्गी में ऐवान सदर लाया गया सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। ऐवान सदर पहुंचने पर सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के मौके पर वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी वहां पर मौजूद थे, वजीर इत्तलात फवाद चौधरी भी वहां पर मौजूद थे। एक जानिब वो मनाजिर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर शाही बग्गी में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को लाया जा रहा था, दूसरी जानिब ऐवान सदर के मनाजिर आप देख सकते हैं कि जिस वक्त सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ऐवान सदर पहुंचे। तो अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर तकरीब का आगाज किया जाएगा, जोहराना दिया जाएगा ऐवान सदर में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। आप ये मनाजिर देख रहे हैं, एक जानिब वो मनाजिर है जब वजीर आजम हाउस से ऐवान सदर के लिए ये काफिला रवा दवा था, शाही बग्गी में सवार थे शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और उनके हमरा थे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, और दूसरे जानिब आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि जिस वक्त ऐवान सदर ये काफिला पहुंचा और सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इस्तकबाल किया गया डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से, सदर ममलिकत पाकिस्तान की जानिब से, उसके बाद बच्चे की जानिब से फूलों का गुलदस्ता पेश किया गया जिसको कबूल किया गया सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। वाज़ह रहे कि सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान दो रोजा दौरे पर गुज़श्ता रोज पाकिस्तान पहुंचे थे, आज दौरे का दूसरा
अहम और आखिरी रोज है। वजीर आजम इमरान खान, वफाकी काबीना के अराकीन और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नूर खान एयरबेस पर कल सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया था और आज ऐवान सदर में सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से इस्तकबाल किया गया। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का जोहराना दिया गया है सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के एजाज में। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड से भी इस दोहराने के बाद तकरीब में नवाजा जाएगा, निशान पाकिस्तान से नवाजा जाएगा और ये अवार्ड सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को तफवीज करेंगे। आपको बता रहे हैं कि वजीर आजम हाउस में गुज़श्ता रोज दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए गए थे और उस मौके पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया था कि 20 अरब डॉलर के माहदों के बाद भी पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करना चाहते हैं और सरमायाकारी की जाएगी। इस वक्त ऐवान सदर में सऊदी वली अहद के एजाज में जोहराना दिया जा रहा है जबकि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान से भी नवाजा जाएगा। दो मनाजिर आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन में बाएं जानिब ये देख सकते हैं कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को जिस वक्त बग्गी में लाया जा रहा था ऐवान सदर की जानिब वजीर आजम हाउस से और दूसरी जानिब ये मनाजिर हैं ऐवान सदर की लॉबी के और ये बाहर के मनाजिर आप देख रहे हैं जिस वक्त वो पहुंचे और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया था। शहरयार खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शहरयार खान, ये बताइएगा कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पहुंच चुके हैं और सदर ममलिकत की जानिब से उनका इस्तकबाल भी किया गया है, इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल बड़ा खुशकुन मंजर था, बड़ी तवील अरसे के बाद इस तरह की गर्मजोशी देखने को मिली और जिस तरह वजीर आजम हाउस से रवाना हुए शाही बग्गी में सवार थे सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और वजीर आजम इमरान खान और जो सफर था बड़ा मुख्तसर था लेकिन बड़ा खुशकुन क्योंकि यहाँ पर मौसम बड़ा अच्छा है, खुशगवार मौसम है और जो उस दौरान वो बड़ी खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू करते हुए ऐवान सदर पहुंचे हैं। वहां उनको सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इस्तकबाल किया, साथ वहां पर उस वक्त वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर इत्तला'आत फवाद हुसैन चौधरी भी मौजूद थे और उसके बाद उन्हें अंदर जहां ले जाया गया वहां पर बच्चों ने गुलदस्ता पेश किए और जो सऊदी वली अहद है इस वक्त अंदर तशरीफ ले गए हैं और यहाँ पर कुछ देर में थोड़ी देर में मुलाकात होगी सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ और उसके बाद दौराने के लिए हॉल में ले जाया जाएगा जहां सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को निशाने पाकिस्तान से नवाजा जाएगा और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है जो उनको दिया जाएगा और उस अवार्ड की तकरीब में तमाम मौजूदीन शहर को दावत दी गई है और इस वक्त चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर, कायद ऐवान सैनट शिबली फराज, मुसल्ला फाज के सरबराहान यहाँ पर इस वक्त ऐवान सदर में मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी मुलाकात होगी और इस वक्त जो है ऐवान सदर में तमाम मेहमान जो है उनके साथ अभी थोड़ी देर बाद जो है ये तकरीब का बाकायदा आगाज होगा जिसमें जो है निशान पाकिस्तान जो है वो नवाजा जाएगा उससे सऊदी शहजादे को। जी जी ठीक है शहरयार, कुछ देर बाद तकरीब का बाकायदा आगाज किया जाएगा, पाकिस्तान के सबसे आला सिविल अवार्ड से नवाजा जाएगा जो कि निशान पाकिस्तान है। इस वक्त सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ऐवान सदर तशरीफ ला चुके हैं, ऐवान सदर में मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद सदर ममलिका डॉक्टर आरिफ अलवी से उनकी मुलाकात होगी जिसके बाद बाकायदा तौर पर जोहराने का आगाज कर दिया जाएगा।